झारखंड का लाल फिर हुआ पलायन का शिकार। 10 दिसंबर 2018 को मंदिर में हुई थी शादी। पत्नी के गर्भ में तकरीबन 7 महीने का पल रहा बच्चा। जी हाँ, बात कर रहे हैं झारखंड के गढ़वा जिले की। झारखंड के लाल हमेशा हो रहे हैं पलायन का शिकार। खबर उस गरीब के बेटे की है जो बड़ी कम उम्र में ही अपने घर परिवार की सुख समृद्धि व भरण पोषण के लिए 2 पैसे कमाने के उद्देश्य से बाहर निकला था। बाहर तो गया जरूर, किंतु वापस अपने घर न आ सका। घटना है मझियाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोरबे की। उक्त गांव निवासी सखीचंद सोनी के 30 वर्षीय पुत्र शंभू सोनी की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शंभू गुजरात राज्य के दाहोद शहर में मजदूरी करता था। उक्त शहर के मुगलिया क्रॉसिंग के पास टैंकर ने ट्रैक्टर में जबरदस्त ट्रैक्टर टक्कर मार दी। इस टक्कर से ट्रैक्टर में सवार 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य लोग भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शुक्रवार रात्रि की है। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 जनवरी की रात PSP कंपनी का ट्रैक्टर GJ20AAH 13015 मजदूरों को उनके रहने के कमरे पर छोड़ने जा रहा था। पीछे से आए पाम आयल से भरे टैंकर MP9HH6495 ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर में बैठे मजदूरों में से 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में भी हो गई। वहीं 15 मजदूरों को एम्बुलेंस से दाहोद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू की शादी 10 दिसंबर 2018 को हैदरनगर स्थित देवी मंदिर में हुई थी। पत्नी रानी सोनी के घर में तकरीबन 7 महीने का बच्चा भी पल रहा है। शंभू की मौत की खबर पाकर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट कर गिर गया। ये थी झारखंड गढ़वा से संवाददाता विवेक चौबे की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।